आज मैं मौजूद हूँ पीएफ म्यूजियम में और यहाँ की जा रही है विंटरलैंड की कुछ न्यू राइड्स की लॉन्चिंग। मोर देन 15 एक्टिविटीज है जो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। कराची स्पेशली जस्ट लाइक यू विल फील लाइक यू आर इन मरी। बहुत ही नेमत है मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए। अंदर आपके आवाज में भी शिवरिंग आ जाती है और सबसे मेन चीज होती है कि हाथ। सही लगी इतनी लगी। हमने ये पूरी जगह को कंप्लीटली रेनोवेट कर दिया है। वी हैव टेकन ऑल द आइस ब्लॉक्स। मरी जाना पड़ता है या वो भी सीजन वाइज, अगर ये पूरे साल हमारे लिए एक तफरी का मुकाम कराची वालों के लिए। लोड शेडिंग हो जाए, आपको गर्मी लगे या आपको एंजॉय करना हो तो आप पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं हमारे पास। वेरी वेरी सून हम विंटरलैंड एक और प्रोजेक्ट विंटरलैंड स्टार्ट करने वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ पीएफ म्यूजियम में और यहाँ की जा रही है विंटरलैंड की कुछ न्यू राइड्स की लॉन्चिंग। और अगर विंटरलैंड की बात करें तो इस सीजन में कितना अच्छा फील होता है। और अभी जो है वो 40 का जो टेम्परेचर चल रहा है कराची के अंदर, इतनी शदीद गर्मी है और विंटरलैंड का नाम आते ही सुकून फील होता है। तो नाज़रीन अभी बात कर रही हूँ न्यू राइड्स के हवाले से। वैसे तो विंटरलैंड आप विजिट करते ही रहते होंगे, लेकिन अभी न्यू राइड्स आई हैं और अंदर क्या जो है वो थीम्स आए हैं न्यू, वो अंदर चलते हैं देखते हैं कि क्या न्यू थीम्स आए हैं और किस तरह से आप मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं वो भी इस गर्मी में। सो चलते हैं अंदर, अपनी गर्मी को ठंडा करते हैं। तो नाज़रीन मैं अंदर आ चुकी हूँ और मेरे साथ जो है बड़ी अच्छी पर्सनालिटीज मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विंटरलैंड के ऑनर शर्जील साहब और मिलेनियम के ऑनर महबूब साहब। तो इनसे भी बात करते हैं कि अच्छा मैं बताऊँ बड़ी ठंडक आ रही है पीछे से अंदर, तो बाकी जो है इनसे फीडबैक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बताएं, मुझे बताएं। ठंडक ठंडक आ रही है, सारी एक्साइटमेंट हो रही है आपको? बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या नई क्या राइड्स लेकर आ रहे हैं? हमने ये पूरी जगह को कम्प्लीटली रेनोवेट कर दिया है। वी हैव टेकन ऑल द आइस ब्लॉक्स जो हमारे पहले थे, हमने उसको ब्रेक करके मेल्ट करके बाहर निकाला है एंड हमने हमारे चाइनीज आर्टिस्ट को बुलाया एंड वी रेनोवेटेड द एंटायर प्लेस। और अब हमारे पास मोर देन 15 एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का स्नोफॉल एरिया है, हमारे पास जिप लाइन है, स्लाइड्स है, स्केटिंग है, आइस साइकिल्स है, बम्पर कार्स है और सबसे यूनिक जो है वो -10 का एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पे गर्मियों में मिल सकता है। जब बाहर 40 डिग्री है तो अंदर हम -10 मेंटेन करते हैं, तो आपके घर की लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, आपको गर्मी लगे या आपको एंजॉय करना हो तो आप पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं हमारे। आप ही आए हैं एंजॉय करने के लिए, तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको, मतलब इतनी गर्मी है? हम तो यहाँ एंजॉय नहीं करने आए, हम तो अटेंड करने आए हैं। एंजॉय भी तो करें ना। वी आर द होस्ट। जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि ये जो अभी न्यू चीजें लेकर आ रहे हैं, न्यू राइड्स लेकर आ रहे हैं, जो इनकी न्यू इनोवेशंस है उसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? बस दे आर डूइंग व्हाट नेवर हैव डन बिफोर, यू नो, नेवर हैव डन बिफोर। अभी आपने वैसे कोई एक्सपीरियंस किया किसी राइड का या कुछ? जी जी मैं पहले जा चुका हूँ अंदर और अभी तो आज ओपनिंग है, तो फिर इंशाल्लाह वापस एंटर होंगे। ये है कि आवाज में शिवरिंग आ जाती है, ऐसा है? अंदर आपके आवाज में भी शिवरिंग आ जाती है और सबसे मेन चीज होती है कि हाथ, क्योंकि आप डिफरेंट चीजों को हाथ लगाते हो। हम ग्लव्स देते हैं बट हाथ ठंडे हो जाते हैं एंड पांव ठंडे हो जाते हैं एंड बट ओवरऑल हमें इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कराची हाइट से। लास्ट ईयर हमने जो इसको ऑपरेट किया था
लोगों ने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हर एज के लोग यहाँ पे आए, हर एज के लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। वी आर वेरी हम्बल्ड कि लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। कराची की जो अभी पब्लिक आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कराची की पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट ईयर नहीं आए थे तो आप इस साल इसको मिस नहीं करें। हमने अपनी प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई है, वी हैव केप्ट द प्राइसेस द सेम एज लास्ट ईयर 1500 रुपीज़ में। मोर देन 15 एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, -10 का टेम्परेचर इन्जॉय कर सकते हैं। सो इट्स एन एक्सपीरियंस जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान के लिए, वेरी वेरी सून हम विंटरलैंड, एक और प्रोजेक्ट विंटरलैंड का हम स्टार्ट करने वाले। विद इन द नेक्स्ट 30 डेज हम लोग एक और प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो किस शहर में लेके आ रहे हैं वो आपको surprise. कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। वो सरप्राइज है बिल्कुल। थैंक यू सो मच टू A1 चैनल फॉर कमिंग हियर, और आप लोग एंजॉय करें, अंदर जाइए, एंड प्लीज डू लेट अस नो योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि एवरीबॉडी शुड एक्सपीरियंस दिस न्यू एक्टिविटी व्हिच हैज बीन यू नो इन कराची स्पेशली, जस्ट लाइक यू विल फील लाइक यू आर इन मरी। जो लगता है मरी से ज्यादा स्नोफॉल अभी हमारे पास है, आपको मरी में भी ऐसी स्नोफॉल नहीं मिल सकती। स्नोफॉल के साथ साथ एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, आपका वो थीम जो अंदर मुझे नजर आ रही है, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल अच्छी थीम, तो अंदर चलते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, और हो सके तो आपको दिखाएंगे भी। ये ना पता चले हमारे कैमरों की ऐसी तैसी हो जाए, तो कोशिश करेंगे कि आप क्विक राउंड आप ले लें एक अंदर। क्विक राउंड हम ले सकते हैं, तो बस जल्दी जल्दी लेते हैं, इससे पहले हमारी कुल्फी जमे। मैं अंदर आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है इस टाइम 40 चल रहा है, और जब 40 टेम्परेचर से आप अंदर आते हैं और आपको -10 मिलता है, तो क्या ही फीलिंग्स होती हैं उस टाइम। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये देखिए, हे स्नो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, थीम्स भी आपको नज़र आ रही हैं, तो देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं अंदर। न्यू राइड्स जो है वो भी लॉन्च करवाई गई हैं, न्यू राइड्स जो हैं वो आ रही हैं। हाय, हेलो सेंटा क्लॉज, ठीक है बाय। अभी हम एंजॉय करेंगे सेंटा के साथ मिलके।
बड़ी नजारे और आपको गिलगित याद आ रहा है मुझे, गिलगित याद आ रहा है, मुझे तो देखा ही नहीं, गिलगित याद आ रही इनसे भी बात करती हूँ कि इनको जो है कैसा लग रहा है। अभी मैंने जैकेट नहीं उतारी, आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट पहनी है, जो मैं अंदर से बाहर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई शाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, मतलब अंदर विजिट से? देखें, ये एक बहुत ही नेमत है, मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए, क्योंकि स्नो फॉलिंग और जो ये बर्फ का सारा सिलसिला, -10 का सिलसिला है, ये चीज़ें हासिल करने के लिए हमें या तो मरी जाना पड़ता है या वो भी सीजन वाइज। अगर ये पूरे साल हमारे लिए एक तफरी का मुकाम कराची वालों के लिए मुहैया किया है इन लोगों ने, और बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, और मैं आपके तवस्सुस से लोगों से कहूँगा कि इसको आए, इंजॉय करें। आपकी क्या? भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जो सबको आना चाहिए यहाँ पे। आपने भी इंजॉय? जी जी बहुत। सर्दी से? सर्दी से। ओके जी जनाब, मेरे साथ नन्ने और मुन्ने दोनों बच्चे मौजूद हैं, तो पहले नन्ने से बात करते हैं, फिर मुन्ने से भी बात करते हैं कि इनको कैसा लगा। तो नन्ने जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको अंदर जाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। अच्छा, मूवीज में देखते हैं क्या, मतलब जैसे मरी वगैरह गए हैं कभी ऐसे एरियाज में गए आप? नहीं। तो फिर ये मूवीज में देखा होगा, स्नोफॉल हो रही है, दिल करता होगा, तो यहाँ अगर कैसा लगा? वैसे ही लगा जैसे मूवीज में देखते हैं। मूवी में देखते हैं तो क्या एंजॉय भी मूवी वाला किया या मूवी वाला नहीं किया? मूवी वाला ही किया। मूवी कैसे एंजॉय किया? चीखे मारी थी? नहीं, चीखे तो नहीं मारी। फिर कैसे एंजॉय किया? स्लाइडें कई। अच्छा, मजा आया। सर्दी लगी थी? जी सर्दी बहुत। ऐसे से की तो जी किया था? नहीं 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 किया। फिर कैसे एंजॉय किया? तू तो एंजॉय नहीं किया। सर्दी लगी, इतनी भी नहीं लगी थी। कितनी लगी? ऐसे हाथ से लगी लगी। इतनी लगी। जनाब मुन्ना भी मौजूद है हमारे साथ, इधर आओ ना, तुम जरा इधर आओ, इधर तो आओ। अच्छा, ये मुन्नी है, इसको मैं मुन्ना समझ रही थी, ये तो मुन्नी निकली है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा शर्मीली मुन्नी है, इधर तो आओ। कैसा लगा अंदर जाकर? अंदर जाके मजा आया? स्लाइड ली? कौन सी स्लाइड ली? सर्दी लगी? फिर आपने क्या बोला, मुझे बाहर जाना है, सर्दी लग रही है? अच्छा, चलो हाथ हिला दो कैमरे में, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। नाज़रीन, मैं बाहर आ चुकी हूँ और अंदर जो है वो शदीद सर्दी है, और मेरे हाथ पांव जो है वो बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं, और मुझे इस टाइम ये जो 40 का टेम्परेचर है ये बहुत अच्छा लग रहा है कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं अंदर जो है -10 से आ रही हूँ। और अगर आप भी अपनी गर्मी को ठंडा करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिए, एंजॉय कीजिए, और इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।